राम बुआजी। ओ बुआजी, बुआजी। और बुआजी, बुआजी। ये वो नाम है जिससे मेरा गांव का हर बच्चा मुझे जानता है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं मेरी कहानी का दौर। ये है मेरा अंधेरे में डूबा हुआ घर, जहाँ लाइट का बोर्ड है लेकिन लाइट नहीं। ऊपर लटकता हुआ कील है लेकिन लटकता हुआ फंका नहीं। चाय बनाने और खाना पकाने के लिए बस यही मेरा सहारा है, और अंधेरे के लिए ये टॉर्च। उबलती हुई चाय के साथ सुबह और सुबह के खाने के साथ शाम। आइए अब चलते हैं वहाँ जब मैं थी 12 साल की। मेरा पूरा नाम भगवान बेशुतार। मेरी शादी कर दी गई 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष के लिए किताबें संभालने की उम्र में गृहस्थी संभालने को दे दी गई। छह साल बाद पहला बच्चा, लेकिन वो भी सिर्फ 2 महीनों के लिए जी। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, लेकिन इनमें से भी कोई मेरा सहारा बनने तक बचा नहीं। फिर ससुराल वालों ने मुझे खोटा सिक्का समझा और खरी खोटी सुनाने लगे। उसके बाद मुझे अपने पीहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन मैं हारी नहीं। यहाँ आकर पैसों के लिए मुझे अपने हिस्से का मकान 2,000 रुपए में गिरवी रखना पड़ा। फिर किराए के मकान में रही। अपने गुजारे के लिए लोगों के खेतों में काम किया। और शादियों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछों का काम करती हूँ। जिंदगी में कभी ना हार कर मैं आगे बढ़ती रही। वो कहते हैं ना, जिंदगी है छोटी सी, इसका हर लम्हा जी ले यार। हर लम्हे में जिंदगी है, अपने गम भुला कर जी ले यार। देख छोटी सी चिड़िया फिर से चहक रही है, तू क्यों सोचता है कि सिर्फ तेरी ही किस्मत पूरी है। इसी के साथ अलविदा।